उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 35 से ज्यादा गायों की मौत के बाद अयोध्या में 30 और प्रतापगढ़ में 6 गायों की मौत से हड़कंप मच गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन खबरों से खासे नाराज हैं। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए गए। प्रयागराज में 35 गायों की मौत पर हड़कंप, अयोध्या प्रतापगढ़ में भी दर्जनों गायों की मौत। गायों की मौत से सूबे के मुखिया नाराज, उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में गायों पर मौसम काल बनकर मंडरा रहा है। गुरुवार को बिजली गिरने से प्रयागराज में 35 गायों की मौत हुई, तो अब अयोध्या और प्रतापगढ़ में भी कई गायों की मौत से हड़कंप मचा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अयोध्या में मृत गायों के शवों को बिना पोस्टमार्टम के ही गौशाला में दफनाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया, जबकि प्रतापगढ़ में लगभग आधा दर्जन गायों की मौत की वजह बारिश के पानी से बने दलदल में फंसना बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के मंत्री मोती सिंह ने घटना के जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन खबरों से खासे नाराज हैं। बता दें कि प्रयागराज के कांदी गांव की गौशाला में गुरुवार को 35 गोवंशों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अफसरों के मुताबिक बिजली गिरने से सभी गोवंशों की मौत हुई है, जबकि गांव वालों का आरोप है कि लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से पशुओं की मौत हुई है। वहीं मृत पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पशुओं की मौत की वजह बिजली गिरना बताया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक बिजली गिरने से गौशाला में भरे पानी में करंट दौड़ गया, जिसकी वजह से सभी गोवंशों की मौत हो गई। हालांकि बड़ी संख्या में जानवरों के शव दलदल में फंसे पाए गए थे, उनकी मौत भी बिजली की वजह से ही बताई जा रही है। हालांकि गांव में बिजली गिरने का कोई भी निशान नहीं मिला है। वहीं पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और अलग अलग स्तर पर जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों को जाँच के लिए जाने और घटना स्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। आयोग की टीम संबंधित अफसरों के साथ बैठक भी करेगी। पूरी घटना को दैवीय आपदा बताने वाले प्रशासनिक अफसरों में सरकार के इस रुख से हड़कंप मच गया है। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब गोवंशों की मौत किसी हादसे के चलते हुई है या फिर लापरवाही के चलते, ये तो जाँच पूरी होने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है, अब देखना यह है कि कब तक जांच पूरी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।